40 बिलियन डॉलर का नुकसान करने वाला टेरा लूना क्लासिक अब यहां पर न्यू प्रपोजल लेके आ रहा है ताकि वो अपने इकोसिस्टम को मजबूत बना सके और अपने इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर सके। लेकिन इस पर लोगों की क्या राय है वो तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या लूना क्लासिक का अब हमें कोई फ्यूचर देखने को मिल सकता है या फिर खत्म, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है, टेराफॉर्म यहाँ पर लैब्स लॉन्च न्यू प्रपोजल टू एक्सपेंड एंड स्ट्रेंट एंड टेरा क्लासिक। अब गाइस यहाँ पर टेरा क्लासिक यहाँ पर कुछ नई चीजें करना चाह रहा है, लेकिन उस पर लोगों की क्या राय है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्वीट के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू डूकॉन, ही डिफ्रॉड ए लॉट ऑफ पीपल एंड स्टॉल देयर मनी। लोग यहाँ पर इसको बुरा बहुत कह रहे हैं, दिस प्रोजेक्ट इज ओवर, जस्ट गिव अप, डोंट Pretend that nothing happened. History cannot be erased. अब हिस्ट्री को मिटाया नहीं जा सकता, आप लोग देख सकते हो जो इसने लोगों का ट्रस्ट यहाँ पर ख़त्म किया है, अब लोग इस पर दोबारा भरोसा करना चाहते ही नहीं। चाहिए कितने प्रपोजल निकाल ले, कितनी नई चीज़ें कर ले, बट अब वो चीज़ें हमें नज़र आ नहीं रही है। बाइनेंस की अगर बात करें, बाइनेंस ने अच्छी खासी बर्निंग की है, बाइनेंस ने 11 बिलियन अब तक टोकन बर्न कर दिए हैं। बाइनेंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये इस तरह से बर्निंग चलती रही तो आने वाले 10-20 साल तक भी कुछ नहीं हो सकता लूना क्लासिक का। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि इसकी सप्लाई जो है वो ट्रिलियंस में और बर्निंग हुई है अभी तक सिर्फ 22 बिलियन, वो भी इंक्लूडिंग टैक्स को लगा के, कि ओनली 22 बिलियन, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ गाइस, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ऐसे इस तरह से बर्निंग चलती रही तो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टेरा लूना क्लासिक का जो प्राइस चल रहा है 0.02211 के सीरीज का चल रहा है, 33 मार्केट रैंक है। वॉल्यूम की अगर बात करें 0.64% डिक्रीज हुआ है। टोटल मार्केट कैप चल रहा है 1.152 बिलियन रुपीज़ का INR के पेयर में। एंड गाइज यहाँ पर अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोग टेरा लूना क्लासिक को होल्ड कर रहे हो या फिर टेरा लूना क्लासिक को सेल कर रहे हो। टेरा लूना क्लासिक को क्या आप गोल्ड समझ रहे हो या टेरा लूना क्लासिक को आपने सिर्फ एक लॉटरी कॉइन की तरह अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अब गाइस हमारी बात आती है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी से हमारा मकसद होना चाहिए सिर्फ प्रॉफिट बनाना, ना कि उससे दिल लगी करना। गाइस अगर हम टेरा लूना क्लासिक की बात करें, टेरा लूना क्लासिक में हमें कभी भी एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिल जाती है, जैसे कि अभी आप लोगों को देखने को मिला था 200% का रिटर्न दे दिया था कुछ ही दिनों के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें टेरा लूना क्लासिक के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर रिस्क की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आप लोगों को टेरा लूना क्लासिक के अंदर वो पैसा लगाना है जिसका आप लोग बिल्कुल लूज कर दो तो भी कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों ने $20-$30 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट होता है, निकल के प्रॉफिट बुक करो और बाहर आ जाओ। ये आप लोगों को चीज़ें करनी है टेरा लूना क्लासिक के अंदर। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, कभी भी ये कॉइन जीरो हो सकता है, ऐसा बड़े जो ट्रेडर्स हैं, बड़े प्रिडिक्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा है। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को क्या लगता है लूना क्लासिक में तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।